तुम्हें ड्रॉप क्यों लेना पड़ा? तुम्हारा सिलेक्शन अपीयरिंग में क्यों नहीं हुआ या फर्स्ट ड्रॉप में तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसके एक्स वाई जेड रीजन होंगे और हर बच्चे का कुछ अलग अलग रीजन होगा। तो कुछ बड़ा करने का पहला स्टेप होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो हम कर रहे थे। सबसे पहले एक्सेप्ट योर मिस्टेक, वो गलती, जिस गलती के बाद आपके जीवन में पाई का फेज डिफरेंस आ गया था, सिलेक्शन से आप दूर चले गए थे, वो मिस्टेक जिसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, वो टर्निंग पॉइंट जहां से आप सिलेक्शन से दूर होने लगे थे, उसको लिखिए। आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपके रीजन घर वाले हो, या हो सकता है कुछ लड़कों का रीजन कुछ लड़कियां हो और कुछ लड़कियों का रीजन कुछ लड़के हो, फ्रेंडशिप फेयरवेयर का चक्कर हो, हो सकता है एक्सेस प्रेशर आपने नहीं झेला हो, हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है, अपनी गलती को लिखिए। सबसे पहले आधे घंटे बैठ के अपने सारे मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करिए और लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, अपने पेरेंट्स के सामने रख दीजिए। है हिम्मत तो मेरे सामने रख दीजिए कि क्या हमने यह गलती, हमसे यह मिस्टेक हुआ है। इसको लिखिए, इसका फोटो खींचिए और हमारे पास भेजिए। डाउट में भेज दो, मैं देख लूंगा, जहां जहां मर्जी वहां भेज दो, मैं देख लूंगा। और एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को। सर ठीक है, वो तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे, कर लेंगे, फिर उसको इंप्रूव कैसे करेंगे वो भी नीचे लिखिए। और कसम खाइए, अगर डॉक्टर बनना है तो ये सारी गलती दोबारा नहीं होगा, ये सारी गलती दोबारा नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, तो फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स छोटी सी लाइन है और हमेशा इसको याद रखना, छोटी सी लाइन है हमेशा इसको याद रखना, फॉर ऑल बॉयज एंड एज वेल एज गर्ल्स, सब लोगों के लिए, सारे लड़कों और सारे लड़कियों के लिए लाइन है, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है, तुम्हारी शकल कितनी भी बैगन जैसी हो लेकिन तुम्हारे साथ शाही पनीर है। समझ में आए कि नहीं है? ठीक है, वंस मोर ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना जिम है, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है। हां, लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है, डॉक्टर बनने से अच्छा ना तो फेयरनेस क्रीम है ना ही जिम है, तुम्हारी शक्ल बैगन जैसी क्यों ना हो फिर भी तुम्हारे साथ शाही पनीर है, याद रखना।